नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ थिएटर का एक न्यू गेम, जिस गेम का नाम है इमेजिनरी बॉल। इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने साथ में किन्हीं दो तीन पार्टनर्स की और हेल्प चाहिए होगी, और आपको एक प्रॉप के रूप में एक बॉल, वो टेबल टेनिस बॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, बास्केट बॉल हो सकती है, आप एक से ज्यादा साइज, अलग अलग साइज की बॉल्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपको इस गेम के लिए क्या करना है, आपके हाथ में आपको एक बॉल लेनी है, वो कोई सी भी बॉल होगी, आप उस बॉल को थ्रो करेंगे एंड उसे कैच करेंगे। ओके, आप उसे थ्रो करके कैच करेंगे, जैसे हम बॉल को कैच करते हैं वैसे। और ये बॉल जब आपने कैच कर ली है, फिर आपको इस बॉल को अपने नेक्स्ट पार्टनर के पास में उसकी तरफ थ्रो करना है, उसका नाम लेकर। तो अब जैसे कि मेरे हाथ में जो बॉल है, इस बॉल को मैं थ्रो करूंगी अपनी मम्मा के लिए। तो मैंने ये थ्रो किया मम्मा, तो मेरी जो मम्मा है उन्होंने ये बॉल को कैच किया, अब वो इस बॉल को किसी और के पास में थ्रो करेंगी। अब ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा, आपके पास में जो बॉल है आप उस बॉल से इस सर्कल को आगे मूव कराएंगे। अब आपके पास में तीन अलग अलग साइज की बॉल्स हैं, जैसे एक टेबल टेनिस बॉल हो गई, एक क्रिकेट बॉल हो गई, एक बास्केटबॉल बॉल है। तो अगर मेरे पास में मान लीजिए ये टेबल टेनिस बॉल है, मैं इसे यूं फेंक रही हूँ, तो मेरा हाथ छोटा सा है और मैंने छोटे में फेंकी। अब आपको क्या करना है, अभी आप एक्चुअल बॉल्स के साथ में ये एक्सरसाइज कर रहे थे, अब आपको ये तीनों बॉल्स हटा देनी है, यानी अब आपके पास में कोई बॉल नहीं है। अब आपको बिना बॉल के सेम एक्सरसाइज, सेम गेम कंटिन्यू रखना है। ओके, यानी अब आप थ्रो करेंगे मम्मा की तरफ बॉल नाम लेके, लेकिन आपके हाथ में कोई बॉल नहीं है, और आपकी जो मम्मा है वो भी उस बॉल को वैसे ही कैच करेंगी। ओके, अब आपने अगर उनकी तरफ छोटी बॉल कैच थ्रो की है तो वो भी छोटी बॉल ही कैच करेंगी, और अगर आपने उनकी तरफ बड़ी बास्केट बॉल थ्रो की है तो वो भी बास्केट बॉल ही कैच करेंगी। इस तरीके से अगर आप क्रिकेट बॉल जो होती है, आप अगर वो थ्रो कर रहे हैं तो आपके सर्कल में वही चलेगी, और ये कोई भी उस बॉल को चेंज कर सकता है, लेकिन कैच करने के बाद में। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ आई है टेबल टेनिस बॉल और आप कैच कर रहे हैं बास्केटबॉल। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर सामने वाले ने आपको टेबल टेनिस बॉल थ्रो की है तो आपको टेबल टेनिस बॉल ही कैच करनी है। कैच करने के बाद अब आप उसको बास्केटबॉल साइज का बॉल बना करके थ्रो कर सकते हैं। तो ये है आपकी इमेजिनरी बॉल एक्सरसाइज, यानी आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में बास्केट बॉल है, कि आपके हाथ में टेबल टेनिस बॉल है, कि आपके हाथ में क्रिकेट बॉल है, और आपको वो थ्रो करना है। इस एक्सरसाइज से, इस गेम से आपको ये बेनिफिट है कि आप जब भी एक्ट करते हैं या आप कभी माइंड मैच करते हैं, तो प्रॉप्स की जो साइज होती है आप उसको एक्चुअल उसी साइज का इमेजिन करके उसी साइज का आप उसे शो करेंगे, आप उसे इनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप इस एक्सरसाइज को आई थिंक समझ चुके होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे मैसेज करके अपना डाउट, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं।